अब हम और घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। अभी रास्ता देखोगे तो आपको लगेगा, ये देखिए। वेयर इज रेड पांडा, वेयर इज द पांडा? सोया होगा कहीं। ये रहा ऊपर पेड़ पे। ओ वाओ, वहां भी पेड़ पे ही लटका था ना, सोया रहता है ये 24 घंटे। पांडे सोए रहते हैं। पांडे नहीं गए थे हम लोग तो सोया ही हुआ था। पांडे नहीं, पांडा, पांडा सोए रहते। दम लग रहा, चिपक गया, उड़ गया बेचारा। हाँ उछो उछो, हरकत करो, दिखाओ। एकदम लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ये हमारे पीछे जंगल है, इतना डेंस है ये। अभी हम इतने दिनों से घूम रहे हैं पहाड़ों पहाड़ों में ही, बट ये कुछ ज्यादा ही डेंस है। कुछ ऊपर के ऐसे ही जा रहे हैं। बकरी है, बकरी देखो, बकरी दिख रही है। इतना उतरना भी होगा नीचे, इसीलिए कोई यहाँ पे नहीं आता है, समझे? इतना कौन चलेगा, एक एक जानवर देखने के लिए आधा आधा किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अब ये देखो इतने सारे एक साथ, यार गोराल इतने सारे यही झांक रहे थे। हाँ यही सब झांक रहे थे। बकरी है ना? हाँ बकरियां हैं। इनका साइंटिफिक नेम है नेमोरेडस गोराल, तो गोराल ही नाम रख दिया इसका। नो क्रिएटिविटी। वो खाना दे रहे, देखो आएंगे खाएंगे। कम ऑन, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। बाबरी कैसे भाग भाग के आ रहे, देखो। हाँ सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे यहीं से। फीडिंग टाइम, खा जाएंगे ना सब, कम पड़ेगा। क्या दे रहे खाने को इनको? इनको खाने चना दाल। अच्छा मसूरी दाल चना। जानवर यहाँ इंसान को देख के खुश हो जा रहे हैं। देखो कैसे आ गया, देखो कैसे आ गया। हाँ हाँ, बाहर टिकट काउंटर पे यहाँ पे इंसान लोग खरीदते होंगे टिकट, तो अंदर के जानवर उसी वक्त तुरंत मीटिंग बैठाते हैं यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स। पीपल आर कमिंग, पीपल आर कमिंग, यू हैव टू बी एक्टिव। हाँ बी एक्टिव, शो देम योर स्पिरिट, दे विल कम अगेन, वी विल हैव मोर फूड इफ दे बाय टिकट्स। तो यहाँ पे सारे जानवर आपके आने पे शो ऑफ करने लगते हैं। आप जैसे उनके केज के पास आओगे, मुंडी लेके एकदम सामने आ जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, मोर पंख फैला दिया, याक एकदम खाना छोड़ के सामने आ गई, गोरांग ढेर सारे इकट्ठे हो गए। भाई ये जू नहीं है, ये वाइल्ड सेंचुरी है, ये जू नहीं है। हिमालयन सेरो। अरे ये देखो क्या है यार, क्या है ये, इसके पैर देख, ये वो भेड़ बकरी ज्यादा है यहाँ पे, सब बकरी की तो प्रजाति है, पूछ ही नहीं है इसका, खाने में मस्त है। दिस इज हिमालयन सेरोन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कोई व्यू पॉइंट नहीं है भाई, ये यहाँ का जू है। जू ही घूम लो 2-3 घंटे, सारे व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, सारी फोटोग्राफी हो जाएगी आपकी, सारी वीडियोग्राफी हो जाएगी, पूरा एक दिन का व्लॉग का मटेरियल है। लेकिन हम लोग ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं रहे, हम लोग थोड़ा नेचर को इन्जॉय कर रहे हैं। क्यों yes. क्या मस्त वेदर है, हाँ। ना धूप ना छाँव ना बारिश ना तेज हवा ना बवंडर ना बॉलेंडर। चलिए और आगे चलते हैं, और घने जंगलों में चलते। देखिए पग पग रास्ता भी वैसे ही है। मुंह बंद कर लिया, देखो देखिए, चलाओ नहीं आप फोटो खींच रहे थे, मुंह बंद कर लिया।
शुरू कर लिया। ये जो कर रहा है ना मुंह से, इसी को बोलते हैं जुगाली करना। ये जुगाली कर रहा है गाइस, जुगाली कर रहा है, जुगाली जुगाली कर रहा है। हिमालयन तार, तार नहीं तार, TAHR है, TAHR नहीं है, TAHR मीन स्टार। तो कैसे खा रहा है? हाँ वैसे ही खाता है। बकरी को कभी खाते हुए नहीं देखे हो क्या? देखे है, तुम खाती हो रोज। मैं जंग कर रहे हैं, लंदन में पैदा हुए हो क्या? यस, लंदन में बकरियां नहीं होती ना, लंदन में बाखोरियां होती है। सो हम ये सिक्किम का हिमालयन जू, हाँ सिक्किम का बोलते, सिक्किम हिमालयन जू घूम चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अब मैं आपको एक, आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ उस जू के बारे में। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं नहीं कर पाओगे, आना ही मत, चाहे गाड़ी हो चाहे पैदल हो, आना ही मत, कर ही नहीं पाओगे। वेदर अगर गर्मी है मत आना, नहीं कर पाओगे। अभी जो वेदर हो रखा है, हवा चल रही है, बिल्कुल धूप नहीं है, बेस्ट वेदर है ये देखने का। क्योंकि एक केज से लेके दूसरे केज, मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट पे जाने के लिए कम से कम 500 मीटर 600 मीटर का चलना है, और स्टार्टिंग के जो दो तीन हैं उनमें तो एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर है। लेकिन एक बार जब आप अंदर घुस गए और फिर जब आप चलना शुरू करोगे, तो जो नेचुरल वंडर देखने को मिलेगा ना, पूरा फॉरेस्ट लाइफ है ये, किसी भी जू में मैंने आज तक देखा ही नहीं। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के चिड़ियाघर घूमता ही घूमता हूँ, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई और ये दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से कंपेयर करते हैं। दार्जिलिंग के जू में हाँ नंबर ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा थे, बर्ड्स ज़्यादा थी, और एक दो चीज़ें वहाँ पे और भी, जैसे वहाँ म्यूज़ियम है दो अंदर, वो और अंदर कैफेटेरिया अच्छा है, खाने पीने का भीड़ भड़ाकर रहती है। अब वो आपके शहर के अंदर है तो उस हिसाब से आप देखोगे तो उसमें चीज़ें बहुत है। यहाँ क्या है, पीस, कोई आदमी, कामनेस। और अभी मुझे नहीं पता यहाँ इतना ही खाली रहता है कि नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ हम दो ही लोग हैं और एक कार और थी, वो लोग भी वापस चले गए क्योंकि उनसे चढ़ा नहीं गया। हम लोग पूरा आए हैं, 20 रुपए की टिकट है मात्र, वहाँ 100 की थी, 80 की थी, 20 रुपए की टिकट है पूरा। ये आपको वाइल्ड लाइफ दे देते कि जाओ इंजॉय करो। केज के एकदम बगल में खड़े होकर आप देख सकते हो सारे जानवर, यहाँ इतने प्रोएक्टिव है ना। हो सकता है ये मौसम, वेदर इतना अच्छा है इस वजह से वो जानवर भी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मोर हो गया, कैट हो गए, याक हो गए, हम सब भी, वल्चर, हिमालयन वल्चर देख के बौखला गया भाई इंसान। तो कंपेयर करूँ तो ठीक है, नंबर ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स वहाँ ज़्यादा है, वहाँ चहल पहल ज़्यादा है, यहाँ पीस है, शांति है, थोड़ा आप थकोगे, नेचर है। तो आप अगर जैसे कहते ना नेचर ट्रैक, वो ये है, ट्रैक करो, जानवर देखो और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में देखो। तो इस जू को मैं, अगर आप के पास टाइम है गैंगटॉक में, आप दो दिन या दो से ज़्यादा दिन रुके हो तो बिल्कुल विजिट करिए। अगर आपके पास नहीं है, दिन नहीं लिया है गैंगटॉक के लिए, तो स्किप करिए गैंगटॉक के, बाकी जो जगह वो देखिए और यहाँ से निकलिए। रास्ता देख ही रहे हो आप, ये रास्ता देखो, ये दिस इज़ नेचर ट्रैक। इसके लिए लोग पता नहीं कितना ट्रैकिंग गेयर लेते हैं, वो सब लेते हैं और फिर चलते हैं। हम लोग देखो बस 20 रुपए का टिकट दिए और घूम रहे, और कोई गेयर टिकट कुछ नहीं, जूता पहना है बस, स्पोर्ट शूज HRX का बस। एक और चीज़, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी खुल के करो भाई साहब, किसी से कोई लेना देने नहीं। वहाँ क्या आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ये हटे तो मैं फ़ोटो खींचूँ, वो हटे तो मैं फ़ोटो खींचूँ, कोई है ही नहीं। फोटो खींचो खुल के फोटो खींचो, कैसे भी फोटो खींचो, शर्ट उतार दो, ऐसे घुमा दो, सौरव गांगुली दादा जैसा ऐसा ऐसे नचा के फेंक दो, कोई रोक टोक ही नहीं। हाँ आ रहे आ रहे, कौआ बोल रहा था, वो भी कह रहा हमारा केज क्यों नहीं बनाया। बेटा तुमको देखने के लिए कौन आएगा, पहले फेयर एंड लवली लगाओ। का, का? 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 चला गया का?